नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। आंखें खुली और आंखें खुलते ही अगर ये खबर सामने आ जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब महामुकाबला खेला जाए, तो इसको लेकर जो एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर वो फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है वो दो देशों के नहीं दो दिलों के मुकाबले होते हैं, क्योंकि मैदान पर जो चीजें खेली जाती हैं, जो गेम चलता है, लेकिन उससे ज्यादा इन दो देशों के बीच के लोगों के अंदर दिलों में वो खेल चलता है। 2022 में T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला होना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही विजेता है, तो अब उस ये महामुकाबला जो है उसके घर में ही खेला जाए। तो अब जो महामुकाबले का दौर है वो तो शुरू होने वाला है और इसका शेड्यूल ICC ने बीती सुबह ही जारी किया, क्योंकि लोगों के आंख खुले तो आंख खुलते ही BCCI ने ये गुड न्यूज लोगों को दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं उन मुकाबलों की जो होने वाले। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के मुकाबले भारत बनाम पाकिस्तान 23 अक्टूबर मेलबर्न में, भारत बनाम ग्रुप ए रनर अप जो होंगे वो 27 अक्टूबर सिडनी में खेलेंगे, भारत बनाम साउथ अफ्रीका 30 अक्टूबर पर्थ में होगा, भारत बनाम बांग्लादेश 2 नवंबर एडिलेड, भारत बनाम ग्रुप बी विनर का जो मुकाबला होगा वो 6 नवंबर मेलबर्न में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश और दो क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन T20 में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड कप T20 50 ओवर में टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को कोई मैच गंवाया। अगर बात करें ग्रुप ए की, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। ग्रुप बी में जो ग्रुप 2 है उसमें होंगे भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। T20 वर्ल्ड कप का जो ये महामुकाबला है वो 16 अक्टूबर से शुरू होना है, क्योंकि पहला मुकाबला अब 16 अक्टूबर से शुरू होगा। तो ये थी सुबह की अभी ताजा तरीन खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।